वेक्टर अलजेब्रा करते हैं शुरू। क्या पार्ट टू लेके आए हैं आप लोग? हाँ, सेकंड बुक मैं तो लाया नहीं, मैं तो दोबारा ले आऊंगा जाके, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो सेकंड बुक देखिए, वेक्टर अलजेब्रा जो है ना, ये मतलब सारे बच्चे साइंस वाले बैठे हैं यहाँ पर, तो एक थोड़ा सा मतलब सेटिस्फेक्शन टाइप का होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि तो इस चीज को आप लोग इलेवंथ से झेलते हुए आ रहे हो, इलेवंथ से फिजिक्स में झेलते हुए आ रहे हो वेक्टर अलजेब्रा को। अब वो चीज फिर से ट्वेल्थ में आ गई है मैथ में, और जितनी गहराई तक आपने फिजिक्स में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह निकाली होंगी, उतनी गहराई तक मैथमेटिक्स में नहीं है। बस मैथमेटिक्स में इसका बेसिक पता होना चाहिए, टाइप्स क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए। हाँ, ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कोई नई टर्म्स है आप लोगों के लिए, लेकिन हम उसका इंट्रो दे देंगे, इंट्रो क्या फुल डिटेल में कराएंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हमें वेक्टर के बारे में पढ़ना है, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहली चीज जो करेंगे वो हमें करना है वेक्टर के टाइप्स के बारे में स्टडी। वेक्टर के टाइप्स जो है ना, उन पे आपको एक नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, और उस वेक्टर के टाइप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है, बताया कोई? यूनिट वेक्टर, बिल्कुल सही बात। यूनिट वेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है वेक्टर के टाइप्स में, जिसका इस्तेमाल जब तक वेक्टर पढ़ते रहेंगे तब तक होता रहेगा और होता ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, इसका बेसिक मैं नहीं बता रहा हूं कि वेक्टर होता क्या है, ये ऐसे बनता है एरो, इसे बेस कहते हैं, उसे एरो कहते हैं, टिप टॉप क्या क्या है वो, टेल, वो सब उसको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ये बातें, तो ट्वेल्थ के बच्चे को। कॉमर्स वाला कोई बैठा होता है यहाँ पर विद मैथ वाला, तो उसको सब कुछ बताना पड़ता, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा वो सब चीजें, ठीक है। तो वेक्टर के टाइप्स की बात करते हैं, सबसे पहला टाइप, अगला जीरो वेक्टर। तो पॉइंट वेक्टर के बारे में क्या लगता है आपको, क्या होता होगा पॉइंट वेक्टर? केवल एक पॉइंट, ठीक है ना। क्या उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है कुछ, पॉइंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड? क्योंकि पॉइंट वेक्टर का जिस जगह, अब इन दोनों को कंपेयर करके बताओगे फिर तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन पॉइंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो जहां शुरू होता है ना वो वहीं खत्म हो जाता है। पॉइंट वेक्टर केवल एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो जहां शुरू हो रहा है वो वहीं खत्म हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता उसका बस, क्योंकि जीरो तो इसका होता है जीरो वेक्टर का। जीरो वेक्टर को हम लोग जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के से लिखते हैं, ठीक है, सबको बताया ये दोनों चीजें। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। यूनिट वेक्टर के बारे में आपको क्या क्या पता है कि हमें डायरेक्शन देता है, और ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैप, कैप लगा के, है ना। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फिर हमें ध्यान है, अगर मैं इसको कहूं यूनिट वेक्टर को एन कैप से, तो इसका फॉर्मूला होता है एन का वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, डाल लो वेक्टर के अंदर, मोड मत बोलो, ठीक है ना। अलग अलग शब्दों पे अलग अलग चीजों का मतलब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर मोड ना बोल के मैग्नीट्यूड ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता क्या है वैसे, फिजिकल सिग्निफिकेंस कहूं तो लेंथ। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड है क्या, मैग्नीट्यूड क्या स्पेसिफाई करता है, अगर कोई वेक्टर बना हुआ दिख जाए आपको और उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाना हो यानी शो करना हो, तो किस चीज से शो करेंगे, ओरिजिन से लेके, अगर एक वेक्टर है तो, अगर एक पॉइंट वेक्टर है तो ओरिजिन से लेके वहां तक की लेंथ को उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है, ओके। तो यूनिट वेक्टर को हम एन कैप से लिखते हैं, उसे निकालने का तरीका होता है एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ठीक है। अब बात ये आती है कि थोड़ी देर पहले ये बोला गया था कि ये ना डायरेक्शन निकालने में हेल्प करता है, कैसे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं एक ए वेक्टर 2i 3j + 4, कैसा को लिख दिया एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें जो ये आई कैप जे कैप के कैप है, क्योंकि इनके ऊपर कैप लगी है तो ये यूनिट वेक्टर होने चाहिए। ये आई कैप जे कैप के कैप ही तो हमें इसकी एक्चुअल डायरेक्शन बता रहे हैं, किस तरीके से, अगर उधर ओरिजिन मान लेते हैं कोने को, तो ये आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये होता है वाई एक्सिस के अलोंग, ये होता है जेड एक्सिस के अलोंग।
तो हमारा जो वेक्टर है एक्चुअली में ओरिजिन से उस तरफ, इस तरफ, इस तरफ कहां जा रहा होगा पता लगाते हैं। देखिए वो x एक्सिस की तरफ चला था 2 यूनिट, ओरिजिन से ये x हुई, ये ऊपर वाली y हुई, इधर वाली z हो गई, तो ओरिजिन से 2 यूनिट गया उधर। टेबल तक मान लें, टेबल तक, टेबल का जो ये कोना है मान लेते हैं 2 यूनिट वहां तक आ गया था नीचे तक। फिर y एक्सिस की तरफ चला वो 3 यूनिट, तो यानी नीचे से ऊपर तक आ गया होगा वो। तो पहले चला 2 यूनिट इधर, एक एक सिरे से जोड़ते चलो, पहले 2 यूनिट चला वो उधर, फिर 3 यूनिट वहीं से ऊपर ले आओ, टेबल के कोने में आ गया वहां पर हुआ। अब वो 4 यूनिट किस तरफ चला, जेड एक्सिस की तरफ यानी मेरी तरफ, तो 4 यूनिट इस तरफ। तो क्या ये कोना रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा वेक्टर ये वाला? और फिर अगर हम पूरे वेक्टर को शो करें तो उस ओरिजिन से लेके इस टिप तक यानी इस पॉइंट तक का एक एरो बनेगा जिसे वेक्टर बोला जाएगा, और वही तो डायरेक्शन है। ओरिजिन से ऐसे एक मान लो एक तीर छोड़ा, वो एक्चुअली जाके दीवार पे किस जगह लगेगा वही तो बता रहे हैं आई जे के हमें। ये काम करता है यूनिट वेक्टर, आई जे के की मदद से वो हमें वेक्टर की एक्चुअल डायरेक्शन बता देता है। ये तो चलो ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये ए वेक्टर है, अगर मैं इस ए वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर ढूंढूं, यानी ए वेक्टर ये है तो मैं एक कैप ढूंढने को बोल रहा हूं आपसे, तो एक कैप निकालने का तरीका, पहले ये वेक्टर आएगा अपॉन में क्या आएगा इस मैग्नीट्यूड ऑफ ये, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है इन तीनों के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या वो ये बनेगा 16 4 20 और 9 29 का रूट, तो एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, सबके नीचे अलग अलग कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि हमने ये वेक्टर था, हमने इसी का यूनिट वेक्टर ढूंढ लिया। अब आप लोग कंफर्म है कि ये यूनिट वेक्टर है? कैसे साबित करोगे कि यूनिट वेक्टर है? कैसे साबित करोगे कि यूनिट वेक्टर है? तो कैप है, तो कैप तो यहां भी है, वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर थोड़ी था। अरे मैडम इस पूरे का मैग्नीट्यूड बनाएगा। अब यहां पे कैप लिखने से कुछ नहीं होता, आपको कोई वेक्टर दिया है और आपको पता लगाना है कि वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड निकालो ना, वो बनाना चाहिए पूरे का। नीचे तो दिखी रहा 29, ऊपर वाले का भी निकाल लो मैग्नीट्यूड, 29 नहीं आएगा रूट के अंदर, वो तो ऊपर नीचे कटके बना जाएगा ना, यानी हाँ वो ये एक यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, खैर सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल तुमने बदलवा दिया। मेरा सवाल ये था कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी, बताओ जरा क्या डायरेक्शन होगी? नहीं, किसी एक एक्सिस के अलोंग क्यों होगी? क्या इसमें आई जे के तीनों नहीं है तो किसी एक के अलोंग क्यों होगी? कुछ तो बोलो, सबने फिजिक्स पढ़ रखी है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी? किसी भी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहां होती है? उसके वेक्टर के अलोंग। अगर ये था ब्लू वाला वेक्टर, ये ए, और ये जो ए कैप है वो ये है, तो अगर ये इस तरफ जा रहा था ना वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर भी इसके पीछे 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 उसी की डायरेक्शन हो जाएगा। हिसाब नहीं लगा सकते तुम, 2 जाएगा वो एक्स के अलोंग, 3 जाएगा वो वाई के अलोंग, और 4 जाएगा वो के अलोंग। ये तो मैग्नीट्यूड है, क्या लगता है मैग्नीट्यूड में क्या अंतर आ गया होगा? जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है ऐसे करके, और उसी की डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो सेम है कोफिशिएंट देखो, तो उसी की डायरेक्शन में अगर मैं डिवाइड कर दूं, 2 को डिवाइड किया मैंने इससे, सुन रहे हो, जो 2 था उसको डिवाइड किया इससे, तो इस वाले के कंपैरिजन में इस वाले का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट छोटा हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा? इसके कंपैरिजन में इस वाले का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट छोटा हो गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 को डिवाइड भी कर दिया किस चीज से। तो अब बात समझ में आ रही है, जो पहले वाला वेक्टर था वो अगर ऐसे जा रहा था ना, तो दूसरा वाला यूनिट वेक्टर होगा तो उसके पीछे पीछे ही, लेकिन हो सकता है इसकी थोड़ी सी मैग्नीट्यूड कम हो, बस 1 यूनिट तो होगा इसका मैग्नीट्यूड पूरे का, है तो यूनिट वेक्टर ही, तो इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना आएगा ये का मैग्नीट्यूड? √29 आएगा। 229 का मतलब 5 पॉइंट समथिंग होगा, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 पॉइंट समथिंग है,
तो जो इसके पीछे पीछे यूनिट वेक्टर चल रहा होगा इसके, उसका मैग्नीट्यूड ही तो वन होगा, बस डायरेक्शन तो सेम होगी, क्योंकि तो ये यूनिट वेक्टर निकाला तो इसी के लिए गया था, तो डायरेक्शन सेम होगी इनकी। यूनिट वेक्टर जब भी आप किसी वेक्टर का निकालोगे, यूनिट वेक्टर आप जब भी किसी वेक्टर का निकालोगे, हमेशा डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की वेक्टर के अलोंग ही होगी। ओके आगे बात समझ में, यूनिट वेक्टर के बारे में इतनी बातें काफी हैं। आई जे के क्या काम करता है बता दिया मैंने तुम्हें, आई जे के क्योंकि ये खुद भी यूनिट वेक्टर हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड भी तो वन ही होते हैं। ओके चलिए अगला देखें, को इनिशियल वेक्टर। नाम से क्या लग रहा है आपको, को इनिशियल का मतलब क्या होगा? जी बिल्कुल सही, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एक ही इनिशियल पॉइंट होगा, जब उन्हें कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। कैसे, देखो इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से एक निकला वेक्टर ऐसे, एक निकला ऐसे, एक निकला ऐसे, एक निकला ऐसे, ये चार वेक्टर, क्योंकि इनका ओरिजिन, ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसलिए इन चारों वेक्टर्स को, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, इन चारों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। आज पी थी 11T, आज की बात थी, कब की थी वो, स्कूल से आके भी तो ये बनानी चाहिए थी एक बार बचे हुए दिन के लिए। कितना अच्छा काम किया तुमने, कितना सुंदर काम किया तुमने कि मैगी बना के बैठ गए, सब भाई बहनों ने मिलके मैगी खाई। जल्दी बन जाती है ताहिल टाइप की ना, आलू काट के, वो नुकसान कम देती है मैगी कंपैरिजन। लो भाई ये अगला, को टर्मिनल वेक्टर। जैसे ये को इनिशियल है तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम थे, को टर्मिनल, टर्मिनेशन का मतलब पता है, समाप्ति, टर्मिनेशन लेटर नौकरी में दिया जाता है किसी को नौकरी से निकालते वक्त, हेयर इज योर टर्मिनेशन लेटर यानी समाप्ति। तो को लग जाएगा तो दो या तीन चीजों के लिए हो जाएगा फिर वो, तो ऐसे दो या तीन वेक्टर्स जिनकी एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो एक दो तीन चार, ऐसे करके तीन या चार वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे आके खत्म हो जाएं, ऐसे वेक्टर्स को को टर्मिनल वेक्टर्स बोलेंगे। छठा, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। क्या मतलब होता है पैरेलल का, ऐसे ही जो कभी मीट ना करें, पता है? अब हम वेक्टर में आ गए और वेक्टर जो है वो 3D में चलता है ना, तो वेक्टर मतलब पैरेलल को डिफाइन करने के लिए केवल ये शब्द काफी नहीं रहेगा जो कभी मीट ना करें, क्योंकि क्योंकि अभी हम लाइंस पढ़ेंगे 3D में, उन लाइंस में ना एक लाइन आएगी स्क्यू लाइंस, SKEW स्क्यू लाइंस, उसकी डेफिनेशन पता है क्या दूंगा मैं, मीट भी नहीं करेंगी और पैरेलल भी नहीं है, फिर वो ऐसे होंगी लाइनें 3D में, 2D में तो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो अब यहां पे वेक्टर में पैरेलल को ऐसे मत बोलो कि जो कभी मीट ना करें, ऐसे वेक्टर्स जो या तो ऐसे हो और या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो उन्हें पैरेलल कहा जाएगा या फिर कोलिनियर कहा जाएगा, या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो भी उन्हें कोलिनियर ही कहा जाएगा एक लाइन में। तो ये पहचानने का एक बड़ा ही आसान तरीका है, और इसको करने का कई कई बार क्या होता है ना, वो तीन पॉइंट दे देगा, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, बोलेगा प्रूव करो कोलिनियर है। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स को या फिर तीन पॉइंट से बनने वाले वेक्टर्स को कोलिनियर करना हो, तो उसके लिए छोटा सा कंडीशन है। देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, सुनिए आज से पहले कभी सुना हुआ है, मना कर रही है तो आपने, तुम्हारे स्कूल में तो हो गया, अच्छा ये छोड़ रखा था, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स करा देते ना, स्टैट्स नहीं LP, ये a इक्वल टू लैम्डा बी, इतनी क्या कहूँ आसान सी चीज है जिससे आप पैरेलल और कोलिनियर कर पाओगे, एक वेक्टर को दूसरे की फॉर्म में लिखना होता है बस। क्या आपको वो चीज पता है, 10th क्लास में हम लोगों ने लाइंस का वो पढ़ा था बिहेवियर, कब वो पैरेलल होंगी, कब वो इंटरसेक्टिंग होंगी और कब वो ओवरलैपिंग होंगी, ध्यान है तीन कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाला कंडीशन, कुछ याद है? उसमें भी पैरेलल वाली कंडीशन होती थी, उसमें भी पैरेलल वाली कंडीशन होती थी, एक ओवरलैपिंग वाली भी कंडीशन होती थी, ऐसी कंडीशन यहां पर भी है। देखो, एक वेक्टर मैंने लिखा i + j - k,
ओके, एक बी वेक्टर, इसके मल्टीपल्स में लिख दो कुछ भी, मल्टीपल्स में यानी या तो इसमें 2 की इनटू कर दो, या 3 की इनटू कर दो, या 4 की कर दो, -2 की कर दो, -3 की कर दो, -4 की कर दो, किसी भी एक चीज की इनटू कर दो, बताओ क्या बनाइए। ये अब ये दो वेक्टर दिए हुए मिलेंगे हमें क्वेश्चन में, अब बोलेगा इन्हें पैरेलल प्रूव करो या फिर कोलिनियर प्रूव करो, ठीक है। तो हम जो भी बड़ा वेक्टर होगा ना इन दोनों में बड़ा, जैसे ए और बी में बड़ा हमें बी दिख रहा है, तो बी वाले में जो भी कुछ ना कुछ कॉमन पक्का आ रहा होगा, अगर वो कोलिनियर है फिर पैरेलल प्रूव करने को बोल रहा होगा तो कुछ ना कुछ पक्का उसमें कॉमन आ रहा होगा किसी एक में, तो आप इसमें से कॉमन ले लो 2, वो क्या बचेगा। ओके, जगह तो होगी वीडियो में देखो, है ना। तो यहां से ये बी वेक्टर, ये 2 और ये देखो, क्या बी इज इक्वल टू 2A, ये वाली फॉर्म नहीं है। अब ए इज इक्वल टू लैम्डा बी का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ए लेफ्ट साइड में होगा, इसका मतलब है कि एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, यानी कोई स्केलर वैल्यू टाइम्स दूसरे वाला वेक्टर हो जाना चाहिए। जैसे यहां पर हो गया, देखो बी वेक्टर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर आ गया, नहीं आ गया, यानी दोनों वेक्टर ये कोलिनियर हो गए। बहुत ही आसान तरीका करने का ये कोलिनियर को। ओके, तो ये हुआ पैरेलल कोलिनियर। एक आता है अगला टाइप हमारा, सेवंथ, इक्वल वेक्टर। ये सबको पता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को ए वेक्टर मतलब इक्वल वेक्टर कहा जाता है, ठीक है जी। ये कुल मिला के हमारे सारे वेक्टर हैं, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इसमें एक तो ये है यूनिट वेक्टर, और एक है ये पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। इन दोनों का इस्तेमाल हम बतेरे क्वेश्चंस में करेंगे। बताइए क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आ गए हमें। मेरे ख्याल से तो इतने ही थे सारे, नेगेटिव हो वेक्टर, ठीक है। अब नेगेटिव हो वेक्टर, चलो यहां लिख देते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ये बड़ा ही आसान चीज है, जैसे कि एक वेक्टर देखो ऐसे है, ए वेक्टर, इसके नेगेटिव का मतलब होता है क्योंकि नेगेटिव होने से डायरेक्शन जस्ट 180 डिग्री रिवर्स हो जाती है। अगर हम ए वेक्टर ही ऐसा दिखाते हैं तो जो माइनस ए वेक्टर होगा ना बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, बस डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे हो जाएगी उल्टी, बस नेगेटिव वेक्टर, ठीक है जी। तो वेक्टर के टाइप्स तो इतने ही हैं। अब कुछ वेक्टर के बारे में, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, और सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर से भी लगता है, और वो पोजीशन वेक्टर, इसके बारे में आपने सुना है कभी, पोजीशन वेक्टर के बारे में सुना हो वैसे या ना सुना हो, इस्तेमाल तो सबने किया है इसको। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर हमको ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हो, एक पॉइंट दिया है ए, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 2, 1, 3, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ वो वेक्टर जो पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बनेगा, ठीक है। अब अकेले ए वेक्टर की बात करी जाए, आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, देखो कैपिटल में ए और उसके ऊपर वेक्टर, ऐसा लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा। अगर अकेले लिखना है, अकेले यानी सिंगल अल्फाबेट से लिखना है, तो स्मॉल में लिखना है, ठीक है ना। और अगर आपको कैपिटल का यूज करना है तो ये होगा हमारा क्या, ओरिजिन। जब अकेले वेक्टर का काउंट करा जाए तो वो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन आएगा ऑटोमेटिकली, तो फिर उसे हम ओ ए लिखेंगे। अगर कैपिटल अल्फाबेट यूज करने हैं तो 2 आएंगे कैपिटल अल्फाबेट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगर स्मॉल अल्फाबेट रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल अल्फाबेट सिंगल एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, बात ध्यान रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि ए पॉइंट साइड 2, 1, 3 इसका वेक्टर बनाओ, इस 2, 1, 3 का वेक्टर बनाओ, तो ओ ए वेक्टर से लिखा जाएगा उसे, और ओ ए वेक्टर जो है कैसे लिखा जाएगा, देखो पीवी, पोजीशन वेक्टर का पीवी ऑफ जो बाद में है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के ऊपर वेक्टर लगा सकते, माइनस पीवी ऑफ ओ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि बाद में है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी कोऑर्डिनेट्स में आई जे के लगाना होता है बस, तो क्या बन जाएगा वो 2i 3j, नहीं
टू आई प्लस जे प्लस थ्री के माइनस ओरिजिन के तो जीरो आई जीरो जे और जीरो के होने चाहिए, तो इसमें से माइनस करो या ना करो बात तो वही है, यानी जो ये कोऑर्डिनेट थे वैसा ही बन गया ना ये। अब अगर सिंगल वेरिएबल में लिखना तो क्या लिखूं, ऐसे लिख दूं ए वेक्टर स्मॉल में, क्या है वेक्टर ये देखो ये बना ओ ए वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ओ ए का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जो बाद में पॉइंट है वो, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जो पहले पॉइंट है वो। और पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, उस कोऑर्डिनेट्स में बस आई जे के लगाना होता है। बताइए कोई समस्या। अब देख रहे हो मैंने यहां पर स्मॉल में ए वेक्टर लिखा, स्मॉल में ए वेक्टर लिखा है इस पूरे को, स्मॉल में आ सकता है अकेला वेक्टर लेकिन कैपिटल में अकेला नहीं आ सकता, तो मैं इसको यहां कहां रिप्रेजेंट करूं, ए को इस ए वेक्टर को इस पे कैसे लिखूं, इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूं स्मॉल ए से फिगर के अंदर, एरो के ऊपर छोटा सा ए वेक्टर लिख दो बस, वो यही रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर। ओके ये समझ में आया, पोजीशन वेक्टर जब अकेले पॉइंट का ए का निकालना था तो हमने बाय डिफॉल्ट दूसरा पॉइंट ओरिजिन ले लिया। ओके और जब हमको एक पॉइंट ए दे दिया 1 2 3 और एक पॉइंट यहां दे दिया बी 0 -2 4 और हमसे कह रहा है ए बी वेक्टर ढूंढिए। अब ए बी वेक्टर का मतलब भी तो कुछ कुछ ऐसा ही हो गया, दो पॉइंट से बनने वाला, तो पहले क्या लिखना चाहिए, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, बी बाद में था ना तो यहाँ पे पोजिशन वैक्टर के टाइम पे वो पहले आएगा, माइनस ए इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर ऑफ बी ये रहा, यानी जीरो आई माइनस टू जे प्लस फोर के माइनस ए यानी आई प्लस टू जे थ्री के, क्या बनेगा, जीरो में से आई माइनस हुआ तो माइनस आई, माइनस टू जे माइनस टू जे प्लस फोर के माइनस थ्री के, ये बना हमारा ए बी वेक्टर और इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ होनी चाहिए ना, सही है। और अगर जिसका उल्टा होता बी ए वेक्टर होता तो पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आते माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आते। अब ए बी का जस्ट उल्टा ही तो होगा बी ए, तो क्या आना चाहिए आंसर फिर, अरे इधर बताओ देख के, प्लस का आई प्लस का फोर जे और माइनस का के, साइन चेंज जाएगा उल्टा होने पर, सही है। पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ में क्या आ गया, ध्यान आ गया, पढ़ा तो पहले सब कुछ है, हम तो याद दिलाने की कोशिश कर रहे बस, क्या पोजीशन वेक्टर समझ, ध्यान आ गया। अगला टॉपिक करें, अगला है हमारा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन पहले दिख रहे हैं ना इसमें, हम अभी नहीं कर सकते, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं पहले साइज के, पहला एग्जाम्पल पढ़िए, पहला किताबें हैं सबके पास, अभी फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसमें कुछ एंगल्स एंगल डिग्री डिग्री की बात कर रहा है। अरे नई किताब है रिया के पास, रिया तू पेंसिल से क्यों कर रही, पेन नहीं आज, जरा देखियो पहले एक साइज में कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम्हारे में, कुछ कम तो नहीं हो रखा, 5। दूसरी एक्सरसाइज यानी कुछ टॉपिक कम भी हो गए ना, दिखाओ जरा, दूसरी 11 है, हम 10 पे हैं चैप्टर पे, ग्रीन टी पी थी ना आज, ये लाइन 3D है चैप्टर 11, हम 10 चैप्टर कर रहे हैं, हाँ ठीक है 18 है ये तीसरी है, तो दूसरी में 19 ही है, ठीक है सारा है, सेक्शन फॉर्मूला भी है, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स भी है, सब है, और पहली में हाँ ठीक है 5 ही है। लो मैडम ये है 10.1 जो हमें करनी है, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखिए क्या पूछा उसमें, हमें कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफिकली दिखाओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। चलो क्या देख रहे हो उधर, देखो वेस्ट ऑफ साउथ के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहले लिख लेते हैं, ठीक है 40 किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया, और क्या बोला उसने 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ यानी साउथ के, कहां है साउथ के 40 डिग्री वेस्ट में, वेस्ट इधर है देखो इधर, तो यहां से 40 डिग्री वेस्ट की तरफ चले जाओ बस, सॉरी 30 डिग्री 40 तो किलोमीटर था ना, ठीक है तो यहां से कुछ अप्रोक्सीमेटली बना दो इतना, लेकिन उसने बोला है कि साउथ के
40 डिग्री वेस्ट में, तो साउथ, हे भगवान, 30 डिग्री, 30 डिग्री, इससे पहले 40 लिखो, रुक जाओ, अरे ये लेंथ है ये 40 ही है, ठीक है ना। उसने कहा साउथ के 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो हो गया ना 30 डिग्री, ये रहा देखो वेस्ट की तरफ, और 40 हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। ये हुआ वेक्टर हमारा ग्राफिकली, सिंपल ही है। तो बहुत, तो एरो ये बता रहा है कि साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहे हैं जो, ठीक है जी, बहुत सिंपल है ही तो, है ना। अगला एग्जांपल देखें, देखो अगले एग्जांपल में क्या कह रहा है, क्वांटिटीज पूछ रहा है, कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, अपने आप करना है ये। हमें तो थर्ड एग्जांपल अच्छा है, जिसमें इक्वल, कोलिनियर और को इनिशियल के बारे में पूछा है। बना दूं क्या? एक ऐसे करके वेक्टर दिया है, यहां यहां से इधर है, लो भाई ऐसे करके है ना, कुछ बताओ कि इसका क्या नाम लिखा हुआ है यहां पर, सी वेक्टर, और यहां पर बी है, डी। देख रहे हो तुम, यहां से शुरू हुए सारे, अब बोलना शुरू करिए। सबसे पहले क्या पूछा था, देखो कोलिनियर, हाँ जी कोलिनियर, जो एक ही लाइन में हो, सी और डी कोलिनियर है, और ये ए, ए और सी को, क्योंकि पैरेलल भी बोला है ना वहां पर, नहीं पैरेलल नहीं बोला, लेकिन सी और डी तो कोलिनियर है, हाँ ठीक है, ए भी आएगा, क्योंकि पहले पैरेलल और कोलिनियर, थोड़ी देर पहले टाइप एक ही बताया था हमने, तो उसके अंदर ये दोनों पैरेलल हैं, देखो वो भी आएंगे, क्योंकि पैरेलल का मतलब ऐसा होता है ना, ये पैरेलल आपको यहाँ दिख भले रहा है, लेकिन ये पैरेलल ऐसे आ जाए तो ओवरलैप हो सकता है उसके, वो तो इसलिए वो कोलिनियर वाली कंडीशन में आएगा ही आएगा। तो ये ए सी और डी कोलिनियर हुए। दूसरे में क्या पूछा, इक्वल, अब बताओ इक्वल तो वो जिनकी डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, वो तो केवल ये दोनों दिख रहे हैं बस, ए और सी ही इक्वल दिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और को इनिशियल यानी जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। याद देखो ये इधर गया, एक एक इधर गया और एक इधर आया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना बी सी डी का, ये तो अलग है, जहां ये खत्म हुआ था वहां से ही शुरू हुआ था, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ए ये बी सी डी होंगे को इनिशियल। ऐसा ही क्वेश्चन एक और एक्सरसाइज में, एक स्क्वायर बन रहा है फोर्थ वाला, पहले उसे ही देख लो, फोर्थ वाले को पहले पार्ट में क्या पूछा, को इनिशियल, बताओ जरा को इनिशियल कौन कौन से होंगे उसमें, पीछे चार बच्चों में एक किताब है, फोर्थ का नहीं, फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ है, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को देखो, लिखा है को इनिशियल, स्टार्टिंग पॉइंट किस किस का सेम दिख रहा है आपको, ए और डी का, सबको दिख रहा है ए और डी, ठीक है जी। सेकंड, इक्वल वेक्टर्स, ए और सी नहीं, बी और डी, हाँ बी और डी की डायरेक्शन भी सेम है देखो, और मैग्नीट्यूड सबके सेम ही है, तो बी और डी इक्वल हो गए। तीसरे में कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर तो हो पर इक्वल ना हो, तो ये तो ए और सी दिख रहे हैं, क्योंकि तो बी और डी तो इक्वल भी हैं और कोलिनियर भी हैं, लेकिन ए और जो सी हैं डायरेक्शन उल्टी है, इसलिए इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन कोलिनियर हैं, ठीक है जी। ऐसे ही अब पहला वाला जो क्वेश्चन है वो तो रिप्रेजेंट करने वाला है, थोड़ी देर में जो पहले जो बनाया था एग्जाम्पल ऐसे वाला बना लेंगे उसे। सेकंड वाला स्केलर वेक्टर छोड़ो, थर्ड स्केलर वेक्टर छोड़ो, फोर्थ वाला पढ़ो ट्रू फॉल्स, हाँ फिफ्थ वाला पढ़ो, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, सही बात है, ए अगर ऐसे होगा तो माइनस ए जस्ट पीछे होगा उसके ऐसे इधर को, तो कोलिनियर तो होंगे, ठीक है। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर जरूरी थोड़ी हमेशा इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, देख एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर बनाया है इसके पीछे, ये दोनों कोलिनियर तो हैं पर इक्वल कहाँ है मैग्नीट्यूड में, ओके फॉल्स। अगला, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो हमेशा की बात कर रहा, हमेशा की, ऑलवेज नहीं लिखा, बोल उठा ले ऊपर वाले से, ऑलवेज ऊपर था। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, क्या वो हमेशा कोलिनियर भी होंगे, नहीं अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल दो, क्या था, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे कोई दो वेक्टर्स का, बोल के बताओ, आईजे के की फॉर्म में बताओ, मुद्दे वाली बात पे आना, आगे वाली बात था, अबे एक तो कुछ भी लिख दो, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। मैं पूछ रहा हूँ दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो,
पर वैसे एक्चुअली में वेक्टर अलग अलग हो। अभी किसी को भी घुमा दो ना, इतना पता नहीं क्या सोच रहे। जैसे मैंने पता नहीं क्या चीज पूछ ली तुमसे, पीएचडी की चीज। मैग्नीट्यूड सेम है नहीं, इसे टू को ऐसे स्वैप कर दिया बस। मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर होते हैं, सबके सम होता है स्क्वायर का। अभी वही आएगा, अब तब भी वही आ रहा था। ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे अभी अगले अगले एक्सरसाइज में कि दो वेक्टर बताओ जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो। देखो ये दो वेक्टर्स का ना मैग्नीट्यूड सेम है, √29, लेकिन डायरेक्शन अलग हो गई। ये एक्स की तरफ 2 यूनिट गया था, ये एक्स की तरफ 3 यूनिट गया है। हो गई, नहीं हो गई अलग डायरेक्शन। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, तब भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वेक्टर अलग हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा अभी कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अलग हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो। क्या कह रहे सर, जब आएंगे तभी करेंगे, तब तक तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट पढ़ो इसका। दो कोलिनर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, दो कोलिनर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, नहीं हो तो पॉसिबल नहीं है। निधिकांशा जी ने कह दिया यह असंभव है। दो कोलिनर वेक्टर जिनका इक्वल भी लिखा है कहीं? अच्छा, दो कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन उल्टी हो सकती है। देख एक वेक्टर बनाया, ये -2i -3j -4 के। देख ये दोनों कोलिनियर हैं, क्योंकि तो एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, अपोजिट है बिल्कुल। मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना दोनों की। तो क्या आएगा इसका आंसर? फॉल्स। आई बात समझ में? बढ़ जाए आगे। ये पहली एक्सरसाइज ना बिल्कुल वो थी इंट्रोडक्टरी टाइप की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम क्या है? ADD। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर, वैसे तो एडिशन करना बहुत ही आसान है कि अगर एक वेक्टर दे दिया हमको i+j+2k और एक बी वेक्टर दे दिया -i+2j -3k। अगर मैं आपको कहूं कि इनका एडिशन कर दो तो कोई भी बड़े ही आराम से ये दोनों जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा। आई वाले ये दोनों ऐड होंगे तो, और ये दोनों ऐड होंगे तो, ऐसे तो कोई भी कर लेगा ऐड इनको। लेकिन अगर मैं एक्चुअली में पूछूं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि दो वेक्टर एक्चुअली में ऐड होते कैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये दोनों बनाने पड़ेंगे हमको। एक वेक्टर ये बनाया, एक वेक्टर ये बनाया, यहां बना लिया ए वेक्टर और यहां बना लिया हमने बी वेक्टर। कुछ ना कुछ तो एंगल इनके बीच में जरूर होगा ना, कुछ ना कुछ तो एंगल इनके बीच में जरूर होगा ना। मैंने ऐसे बना लिया दोनों को एंगल्स पे कुछ, ठीक है। अब इनका एडिशन जब करना होता है तो हम क्या लगाते हैं? ट्रायंगल लॉ। अब वो ट्रायंगल लॉ ये कहता है हमसे कि जो ये ए वेक्टर यहाँ है इसे तो छोड़ दो ऐसे कैसा, इस बी वेक्टर को यहां से उठा के यहां लाओ, या फिर इसके पैरेलल एक और बी वेक्टर यहां बना लो। क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स थे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स थे इसलिए यहां पर बी को दिखाया जा सकता है। अब जब भी हमें दो वेक्टर ऐड करने होते हैं डायग्राम के थ्रू, जब हम सैंपल पेपर करेंगे ना सैंपल पेपर, उसमें कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे एडिशन वाले, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये वाली। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कहीं इक्का दुक्का एमसीक्यू में मतलब पड़ाव मिल जाएगा, एक दो तीन वेक्टर बना देगा और उसके रिजल्टेंट को जुड़ते जुड़ते नए नए वेक्टर बनते रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो वेक्टर ऐड करने होते हैं डायग्राम के थ्रू फिगर बना के, तो जहां पहला वाला शुरू हुआ और पहला खत्म हुआ, दूसरा वहीं से शुरू कर दिया नहीं कर दिया हमने, तो इन दोनों का एडिशन यानी a+b हमेशा इस ट्रायंगल का रिजल्टेंट आता है। रिजल्टेंट यानी डायगनल आता है। और डायगनल कहां से कहां तक होता है? जहां से पहला शुरू हुआ था और जहां दूसरा खत्म हो रहा है, और इसी को बोलते हैं हम a+b यानी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। यहां पे तो बोलेंगे हम एडिशन, लेकिन फिगर में उसको ना रिजल्टेंट शब्द से बोलते हैं, रिजल्टेंट। और वो क्या आ रहा है? जहां पहला शुरू हुआ और जहां दूसरा खत्म हुआ। क्योंकि अगर ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन भी जरूरी होगी। फिर तो डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए, जहां पर पहला शुरू हुआ वहां से शुरू होगी और जहां दूसरा खत्म हुआ वहां पे खत्म होगी डायरेक्शन, ठीक है जी। अब मुझे आप लोग सोच के बताइए, अगर इसी फिगर में थोड़ा सा संशोधन करूं तो a-b इसी फिगर से मिल सकता है क्या? क्या a-b इसी फिगर से मिल सकता है? बताओ कैसे? तो उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि a तो ठीक है, माइनस के b का मतलब पता है क्या होता है? माइनस के b का मतलब है a+(-b). तो अब अगर b ऊपर है तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर की मदद से
माइनस बी बिल्कुल नीचे हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड का, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टी। अब जब हम ए प्लस ऑफ माइनस बी करेंगे, अब हम इसको देखेंगे नहीं ना, माइनस बी है ये, हमारे हिसाब से तो ए वेक्टर ये था और एक दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा वो पहले वाले से शुरू होगा दूसरे वाले पे खत्म होगा, यानी ऐसे आना चाहिए। अब हमें नहीं फर्क पड़ रहा है माइनस लिखा था, हमने तो दोनों वेक्टर से एक्चुअली प्लस किया है, ये है हमारा ट्रायंगल लॉ, यानी कि दो वेक्टर से ऐड करे जाते हैं तो रिजल्टेंट कहां आता है, पहले वाले के जहां पहला शुरू हुआ वहां से और जहां दूसरा खत्म हुआ वहां तक डायरेक्शन होती है उसकी। पहले से माइनस भी ढूंढना पड़ेगा हमें, या ए माइनस भी कर दो डायरेक्ट, इसमें से माइनस करो कितना आएगा, ये माइनस ये, ये माइनस ये, ये माइनस ये पता आपको चल रही है ना पता कि ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है, सही है। आगे बढ़े, तूने बोला नहीं उनको कि अगर नहीं, तूने ये मेन चीज नहीं बोली होगी ना कि अगर क्लास में मेरा फोन बजा तो फिर मेरा फोन बजने लायक नहीं बचेगा, क्या बोला उन्होंने फिर, कोई बात नहीं तो उनसे कह दिया कि कल मेरा फोन अगर बज गया तो मैं वापस खाली आता हूँगी, क्या गलत कह रहे हो, क्या गलत कह रहे हो, ट्यूशन में जब आए तो साइलेंट कर दे, यहाँ से निकल के ठीक कर दे, मजबूरी से ही कहते हैं। एक ना फोन में वो ऑप्शन आता है स्केड्यूल सब फिट करने का, टाइमर टूमर सा, उसमें ना टाइम टेबल बन जाता है, इतने बजे से इतने बजे तक अगर आप चाहोगे ना तो ऑफ हो जाएगा फोन, इतने बजे इतने बजे अपने आप ऑन भी हो जाएगा वो फोन, होता है ना ऑप्शन ये वाला, तू भी चाहे तो डे डिसाइड करके अपने आप साइलेंट मोड डाल सकती, हो जाएगा वो। ये कंडीशन उससे बहुत अच्छी है कि फोन छिन जाए, मुझे नहीं पता, मैं तो ये बता रहा हूँ कि फोन छिन जाए उससे बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये कि फोन साइलेंट कर दे जाए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर बाई अ स्केलर, जैसे कि मान लीजिए एक वैक्टर ए ना आई प्लस जे माइनस के है ना, हमें अगला टॉपिक जो है ना वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर बाई अ स्केलर। अब स्केलर जो होती है ना वैल्यू क्या होती है, 2, 3, 4, 5 ऐसी वैल्यू होती है कुछ। अब अगर ये ए वैक्टर है और मैं आपसे कहूं कि मुझे 2a वेक्टर निकालिए, तो हम बड़े आराम से 2 की इंटू सब में कर देंगे, और यही चीज अगर मैं अब आपसे कहूं फिगर में दिखाओ बना के, तो ये a वेक्टर अगर ऐसे था तो 2a वेक्टर डबल हो जाएगा मैग्नीट्यूड, अब जितना मैग्नीट्यूड इसका है डबल हो जाएगा, तो क्या ऐसा बना दो, ऐसे जो डायरेक्शन इस a की है वैसी होनी चाहिए डायरेक्शन उसकी, तो अपनी मर्जी से ऐसे बना देना कुछ जो a की डायरेक्शन है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में डबल मैग्नीट्यूड शो करेगा ये। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता यहां पर ए इतना है तो ए बाई टू बताओ कितना होगा, ए बाई टू इसका आधा हो जाएगा, यानी आई बाई टू जे बाई टू माइनस के बाई टू है ना, और यहां पर शो करें तो इसका आधा हो जाएगा सेम डायरेक्शन में ऐसे करके। किसी स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करी जाती है तो जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाता है। अगला टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, हमें एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, देखो एग्जाम्पल नंबर है 4, जरा पढ़ के दो क्या कह रहा है उसमें वो, जबकि वो दोनों वेक्टर इक्वल हैं। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो इक्वल कब होते हैं, जब उनके वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों वो इक्वल होते हैं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, अब वो हम मैग्नीट्यूड थोड़ी निकालेंगे मैग्नीट्यूड इसमें, अगर वो दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो हम कंपेरिजन करेंगे, यानी एक्स के कोफिशियंट मतलब आई के कोफिशियंट सॉरी आई के कोफिशियंट इक्वेट करेंगे, जे के कोफिशियंट इक्वेट करेंगे और के कोफिशियंट इक्वेट करेंगे, दोनों हमारे एक्स वाई जेड आ जाएंगे है ना, ये तो बहुत पहले भी कर रखा है। अगला पढ़िए, ये एग्जाम्पल नंबर है 5, हमसे पूछा तो 5 पढ़ के बताओ फिर क्या है, तो ये कहना चाह रहा है कि क्या दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के, ए प्लस बी करें पहले और फिर मैग्नीट्यूड निकालें, ऐसा नहीं है, तो कौन सा ध्यान आ गया फिर, ठीक है वो तो तुम चेक कर लो मैग्नीट्यूड अपने आप ही, ठीक है अभी नहीं है वो, बाकी साइज वगैरह में कहीं होगा फिर ये वाला। खैर पांचवा तो बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड अपने आप निकाल लेंगे आप लोग। छठा पढ़िए, छठे में क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, अब हमसे वो ये बात बोलता या ना बोलता कि इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मगर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते तो वो ऑटोमेटिकली मतलब यूनिट वेक्टर का नाम ही आना चाहिए बस, हर सवाल का जवाब एक ही है 1, सवाल कोई भी हो आंसर 1 1। मैडम तुमने सुना मैंने क्या कहा, उसने क्वेश्चन में कहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो मैंने बोला कि वो डायरेक्शन शब्द इस्तेमाल ना भी करता
हम तब भी वही करते जो अब करेंगे, क्योंकि हम जिस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर ढूंढ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसी की डायरेक्शन में आएगा। तो ये डायरेक्शन शब्द ना भी लिखता तो हमारा मतलब तो वही होता, हम निकालते तो उसी की डायरेक्शन में ही, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले करा था, हो जाएगा ये वाला, है ना। चलिए सेवन देखिए, हमें एक ए वेक्टर दिया, बताओ कितना आई कैप। बस ठीक है, हमसे कह रहा है एक वेक्टर ढूंढिए, है ना, जो कि इसकी डायरेक्शन में हो उस वेक्टर का, तो उसे बी मान लेते हैं, है ना, और उसका मैग्नीट्यूड सेवन है। तो हमसे बी वेक्टर की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ऐसे है क्वेश्चन, हमें ये एक वेक्टर दिया, हमें ये एक वेक्टर दिया, और हमसे एक और वेक्टर पूछ रहा है जो कि सेम डायरेक्शन में हो, और जो नया वेक्टर पूछा है उसका मैग्नीट्यूड सॉरी दे रखा है, तो वेक्टर पूछने को कहा है। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, क्योंकि उसने कह दिया कि जो डायरेक्शन ए की है वही डायरेक्शन बी की है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि ए का यूनिट वेक्टर ढूंढूं, ठीक है, और उसको बी के यूनिट वेक्टर के इक्वल कर दूं। ये पॉसिबल है कि नहीं, तुम सोच के बताओ। उसने कहा ए और बी दोनों के डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो ए की डायरेक्शन में होगा, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो भी उसी की डायरेक्शन में तो होगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है, तो जो इसका यूनिट वेक्टर है वो इसका भी तो हो सकता है भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना है, डायरेक्शन पहले सेम बोल दी उसने, मैग्नीट्यूड दोनों का वन ही होगा भाई। वेक्टर को केवल दो ही चीजें तो डिपेंड होती है वेक्टर पे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन उसने पहले सेम बोल रखी है, मैग्नीट्यूड इन दोनों की सेम होती है वन, तो दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे फिर, तो ए का क्या आएगा, आई माइनस टू जे अपॉन ए का मैग्नीट्यूड यानी रूट में इज इक्वल टू बी कैप, क्या आएगा, बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, और बी का मैग्नीट्यूड हमें सेवन दे रखा, सेवन को यहां भेज दूं, सेवन आई अपॉन रूट फाइव माइनस टू सेवन जा, क्या बी वेक्टर ये नहीं आना चाहिए था। देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि मैंने क्यों इन दोनों को इक्वल करा। उसने हमसे कहा था एक वेक्टर ढूंढिए जो इसी की डायरेक्शन में हो, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है वेक्टर्स की, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उनके यूनिट वेक्टर्स की भी डायरेक्शन सेम ही होगी, तो दोनों के यूनिट वेक्टर लिख लिए, डायरेक्शन सेम थी और मैग्नीट्यूड थी, दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली सेम होंगे इसके, डायरेक्शन सेम थी यानी दोनों वेक्टर इक्वल ही होंगे फिर ये वाले। ये अच्छा क्वेश्चन है आज का, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं अच्छा करा हमने आज, इस जितना हमने पढ़ा वेक्टर में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अब तक का, ठीक है जी। सेवन था ये, आठवां देखें क्या सब लोग पहुंच गए। चलिए अगले में क्या बोला, देखो कह रहा है एक ढूंढिए यूनिट वेक्टर अलोंग दी सम ऑफ, सम ऑफ तो सम की तरफ यूनिट वेक्टर ढूंढना है, तो सम की तरफ यानी एक दिया हमें ए और एक दिया बी, तो पहले हम दोनों का सम ढूंढ लें, ऐसे करके मिल जाएगा हमको सम, ए और बी को ऐड कर दो तो सी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, सी वेक्टर। अब सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड, आसान है ना, कोई नई बात थोड़ी है। उसने कहा अलोंग दिस सम निकालो यूनिट वेक्टर, तो पहले हमने सम ढूंढ लिया, सम को ढूंढते क्वेश्चन पुराना वाला बन गया। आगे बढ़े, नाइन्थ में डायरेक्शन रेशियोज पूछे हैं, और डायरेक्शन रेशियोज हमने पढ़े नहीं अब तक, तो ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस मैं किसी दिन शुरुआत से कराऊंगा, आज तो नहीं कर रहे, किसी दिन शुरुआत से मतलब क्लास शुरू होने पर, हो सकता है अगली क्लास की शुरुआत हम डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ही कर लें, थोड़ा सा बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन अलग टॉपिक है, फिजिक्स में हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो उसको, लेकिन मैथ में तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन का ही खेल है सारा, ठीक है, उसको पढ़ेंगे लेकिन अगले टर्म की शुरुआत कोशिश करेंगे उससे ही करें, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन में निकल गया सारा, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज वाला काम अगली क्लास की शुरुआत से करेंगे। खैर एग्जाम्पल नंबर नाइन छोड़ दी जाए, तो अगला टॉपिक दिख रहा है आपको वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ये हमने अभी पढ़ लिया, टू पॉइंट यानी दो कोऑर्डिनेट्स, एक ए दे रखा होगा एक बी दे रखा होगा, इनसे वेक्टर या तो ए बी बनेगा या बी ए बनेगा, तो इधर पहले करा हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वाला काम,
सेक्शन फॉर्मूला मुझे बताओ किस काम आता था, सेक्शन फॉर्मूला किस काम आता था जब किन्हीं दो पॉइंट्स के जॉइन को बीच में से कहीं काटा जाता था, तो या तो रेशियो ढूंढने का काम आता था वो, 2:3, 3:1, 1:3, या फिर रेशियो दिया होता था तो जिस जगह पे कट किया गया था वो पॉइंट निकालने का काम आता था। तो सेक्शन फॉर्मूला में भी कुछ ऐसा ही है वेक्टर के अंदर, ठीक है। क्या अगर हमको एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, देखो एक वेक्टर दिया बी वेक्टर, हमें दो वेक्टर दे दिए, इन दोनों के जॉइन को किसी वेक्टर ने बीच में से काट दिया, इन दोनों के जॉइन को यानी ऐसे किसी वेक्टर ने इंटरनली काट दिया, ये ध्यान है ना, सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनली एक्सटर्नली वाला भी हिसाब था। इंटरनली वाले में जो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन आता था और एक्सटर्नली वाले में एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन आया करता था, बस यहाँ भी अंतर प्लस माइनस का ही होगा। खैर ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, यहाँ पे एम रेशियो एन में काटा इसने, ये ओ से ए, ये बी और ये सी, हमें ओ ए वेक्टर दे रखा था, ओ बी वेक्टर दे रखा था, इन दोनों के जॉइन को एक नए वेक्टर ने बीच में से काट दिया। अब बताना है कि किस रेशियो में काटा, मतलब रेशियो भी दे दिया, मतलब हमें एम रेशियो एन, तो इस वेक्टर की वैल्यू ढूंढनी है ओ सी वेक्टर की। सेक्शन फॉर्मूला देखो हमें क्या सिखाता है इसमें, वही इधर वाले एम की इधर वाले में होगी, वहां भी तो ये काम होता था, एम की एक्स टू में होती थी उधर, प्लस इधर वाले एम की इधर वाले एम में होनी चाहिए, अपॉन बस। अब यहां पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो है नहीं, जो एक बार एक्स के लिए करा जाए फिर वही काम वाई के लिए करा जाएगा, यहां पे तो इधर वाले रेशियो की इनटू इधर वाले वेक्टर से प्लस इधर वाले रेशियो की इधर वाले वेक्टर से, अपॉन में वही जो रेशियो था प्लस हो गया, आ गया हमारा नया वेक्टर इंटरनली वाले केस में। अगली पेंसिल से करते करते दोनों से कर रही, ठीक है भाई। तो यहां पर लिख देते हैं इंटरनली, क्योंकि हमारा ओसी वेक्टर इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब यही काम एक्सटर्नली हो जाए, यही काम एक्सटर्नली हो जाए तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा। सवाल ये आता है कि एक्सटर्नली होने पर ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा कैसे, तो हम शुरुआत ऐसे करते हैं, पहले ओ से ए बनाते हैं। तो देखो ओ से बी बना दिया, ओके। अब एक्सटर्नली कब होता है, देखो हमसे कहा जाएगा कि फाइंड द वेक्टर विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दीज टू वेक्टर इन द रेशियो एम रेशियो एन एक्सटर्नली। एक्सटर्नली इन दोनों के जॉइन को करने के लिए लाइन को बाहर भी तो करना पड़ेगा, पहले इस लाइन को बाहर करा हमने देखो ऐसे, और एक्सटर्नली ये वेक्टर अब गया यहां पर। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ये ओ से लेके क्या है, ये ए था, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ओ से सी था ना, अब आप ये देखो ए से लेके सी तक का रेशियो कितना था, अभी भी ए से लेके सी तक का रेशियो एम ही होगा, यहां से लेके यहां तक का रेशियो। बी से लेके सी तक का रेशियो कितना था, एन है, अभी भी बी से सी तक का रेशियो एन होगा, तभी तो नीचे m में से माइनस एन करा रहा हूं तुम्हें मैं। बात बताओ ना, जब आप m को और n को प्लस करते थे तभी तो ये पूरी लेंथ आया करती थी, अब एक्सटर्नली में आओ, एक्सटर्नली में ये लेंथ कब आएगी, जब आप m में से n को माइनस करोगे, वही काम तो बोल रहा हूं तुम्हें करने के लिए, यहां भी माइनस लगा लो, यहां भी माइनस लगा लो, बस। एक्सटर्नली का डायग्राम समझ में आया कैसे होता है, इंटरनली में उन दोनों के जॉइन को बीच में से काट दिया, एक्सटर्नली में उन दोनों के जॉइन को बाहर बढ़ाना पड़ेगा और तब नया वेक्टर आएगा उठ के। लेकिन जो रेशियो इंटरनली में होते हैं वैसे ही रेशियो की वैल्यू एक्सटर्नली में भी होती है, ओके। देखो एग्जांपल होगा इसके नीचे शायद एक सेक्शन फॉर्मूले का है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं यानी वेक्टर्स हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल वेक्टर में कैसे करेंगे, एक मिनट, आपको तीन वेक्टर दिए हैं या तीन वर्टिसेस दिए हैं, वर्टिसेस दिए हैं। अब आप एक बात बताओ, आपको तीन वर्टेक्स दे दिए ए, क्या क्या दिए बताने जरा, हमें तीन वर्टिसेस दे दिए, तो आप बताओ राइट एंगल ट्रायंगल करने के लिए एक बार आपको ए बी ढूंढना पड़ेगा,
एक बार बीसी, एक बार एसी, तीनों ढूंढने पड़ेंगे। जब ए पता है बी पता है तो ए बी कैसे ढूंढोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर जरूर लगा लेना भैया, वेक्टर पढ़ रहे हैं हम। ए बी ढूंढने के लिए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे, पहले एक वेक्टर मिलेगा, फिर ऐसे दूसरा ढूंढेंगे, ऐसे तीसरा ढूंढेंगे, उनके ढूंढ लेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मिलते यानी कि लेंथ मिल गई उनकी। अब तीन लेंथ है हमारे पास, किन्हीं भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा ना, या तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आएगा। पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होनी चाहिए अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना हमारी, नंबर डाल दें यहां पर, एक्सरसाइज है 10.2। इस एक्सरसाइज में है जी, इस एक्सरसाइज में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगना, जो हमने बेसिक पढ़ा है ना सारा इसी से होना है, क्योंकि तो इस एक्सरसाइज के बाद हमारा डॉट प्रोडक्ट चालू होगा, है ना। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमको बेसिक इंट्रो से ही करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या कह रहा है उसमें। वेरी गुड, दूसरा पढ़िए। हाँ, यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बोला गया था। अरे ये तो है एक्सरसाइज मेरी भाई। हाँ भाई, क्या कह रहा है वो? राइट दो डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। डिफरेंट वेक्टर्स मतलब अलग अलग, मतलब उनकी डायरेक्शन अलग होनी चाहिए, यानी दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होने चाहिए। दो ऐसे वेक्टर बताइए जिनकी डायरेक्शन तो अलग हो, यानी दोनों वेक्टर तो नॉट इक्वल हो, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम तभी होता है जब हम किसी भी आई और जे या के में से किसी भी दो के कोफिशिएंट्स को स्वैप कर दीजिए, तो मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है ना। तो पहले करा था। तीसरा देखिए, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन पर वेक्टर अलग हो, सेम डायरेक्शन पर वेक्टर अलग हो, सेम वेक्टर माने सेम नहीं, सेम डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दें और डायरेक्शन सेम, कैसे करेंगे डायरेक्शन सेम? यूनिट वेक्टर नहीं बोला ना उसने, वेक्टर बोला है। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन तो सेम हो पर वेक्टर अलग अलग हो, बड़ा पेचीदा सवाल है ना। तो एक वेक्टर तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, हमेशा की तरह पहला तो कुछ भी लिख सकते हैं बस। दूसरे वेक्टर को किसी का भी मल्टीपल ले लो, ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है, ए इक्वल टू लैम्डा वी वाली कंडीशन है इसमें, दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है पर दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है। सही है, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहना, ठीक है। चलिए चौथा पढ़ते हैं। थक गई क्या शरद जी? सर उधर ठंड से भी होता है, गर्मी से हो रहा। चलिए फोर्थ, या एग्जाम्पल भी किया था हमने उधर पहले ऐसा। फिफ्थ, पहले वेक्टर बना लेना इससे और फिर स्केलर कंपोनेंट होंगे कोफिशियंट केवल, भाई जैसे 2i+3j+4k है तो स्केलर कंपोनेंट हुए 2, 3, 4, और वेक्टर कंपोनेंट 2i वाला, फिर 3j और 4k वेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है। और सिक्स्थ सम हो, सेवन्थ यूनिट वेक्टर, एग्जांपल किया था अभी थोड़ी देर पहले, वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड उसी की डायरेक्शन में आएगा। एट, इधर डायरेक्शन ऑफ पी दे दिया, क्यू दे दिया, तो पहले आप पी क्यू वेक्टर ढूंढ लें, जब वेक्टर मिल जाएगा तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ढूंढना भी कोई बड़ा काम नहीं होगा। सौभाग्य जी ठीक है। अगला, मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है वो है 14। क्या बोल रही थी ये? क्या कर रही है, केमिस्ट्री खोल ली गई इतनी देर में? नहीं मुझे पता नहीं क्या, मौका मिलना चाहिए तुम्हें, केमिस्ट्री खोल के बैठ जाते तुरंत, तो फिर तो अभी करना ही नहीं ना, वो तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन कोसाइन दोनों ही नहीं करने, अभी 12, 13 नहीं करना, अभी अभी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पढ़े नहीं ना। मैं अभी फिर से बोलूंगा वो सारी बात, थोड़ी पहले बोली थी जो, ठीक है 14 पढ़ते हैं भाई। 14 पे निशान लगा रहे ना कोई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 14 में लिखा है शो करिए वेक्टर, लेकिन यार ये भी करेंगे तो हम डायरेक्शन कोसाइन से ही, शो करिए वेक्टर ये इज इक्वल इंक्लाइंड। हाँ 14 वाला भी फिर उससे ही करेंगे डायरेक्शन कोसाइन से ही, तो छोड़ना पड़ेगा, 15 हो जाएगा। लेकिन हाँ 16 फाइंड द पोजिशन वेक्टर, हाँ ठीक है 16 हो जाएगा। शो करिए व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल, एग्जांपल की तरह है कुछ भी। अरे वाह 18वां बहुत अच्छा है भाई, एमसीक्यू जरा मुझे पढ़ के बताइए, इसकी फिगर दे रखी क्या हमको? पहले एक बनाया इसने ए बी वेक्टर, यहां से ए बी और बी से ऊपर इधर सी है,
और डायरेक्शन क्या है, सी की, यही वाली ना, ऐसे बना रखा है इसने ना, सही है। अब चार ऑप्शन है, मैं कहता हूं ऑप्शन छोड़ो, मैं कहता हूं ऑप्शन छोड़ो, तुम बताओ वेक्टर एडिशन के हिसाब से पहले ये आना चाहिए। डायरेक्शन देख लेना, पहले क्या आना चाहिए, प्लस बी से सी की तरफ, ये कायदा कहता है कि ये होना चाहिए, है ना। अब हमें क्या कहा, नॉट ट्रू कहा है, क्या कहा है उसमें, देखो कौन सा सही नहीं है। पहले पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, ए बी है, बी सी है, ये वाला इधर ए सी प्लस में है, ये है कि ए सी है। अब एक चीज देखो, जब मैं एसी को लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस का एसी बनेगा, वो उस माइनस के एसी को प्लस का सीए लिख सकते हैं, और वहां प्लस का सीए ही लिखा है ना, यानी पहला सही है। ओके, सेकंड बताइए, ए बी है, बी सी है, ये लेफ्ट में क्या है, अब ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस का ही एसी बनेगा वैसे भी, तो यानी ये भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड बताइए, ए बी है, एक ऑप्शन रिपीट हो रखा है, चलो फिर मेरी किताब में बताऊं क्या है, देखो थर्ड वाला मेरी में है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूं, चार में से कोई दो ऑप्शन सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना, ठीक करो उसे। जो हमारी किताबों में है, पुरानी, ओल्ड इज गोल्ड में क्या है, ए बी लिखा है, प्लस बी सी लिखा है, और प्लस का सी ए लिखा है, तो हमारे में, मेरी में पहला है ये वाला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां पर माइनस है और सी ए ही लिखा है, तो ठीक है उसकी में अलग है ना, तो करो सही, माइनस करो यहाँ। चारों ऑप्शन अलग अलग होने चाहिए, इसमें सोचना क्या है इतना, अब सोचो इसको, अब सोचिए, ए बी ठीक है, बी सी ठीक है, जब ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस का ए सी बनेगा, और वो माइनस वाला ए सी प्लस का सी ए बनता, जबकि यहां पर माइनस का सी ए है, तो हम इस पे कट लगा सकते हैं। अभी फोर्थ पढ़ते हैं, देखो फोर्थ बताओ क्या है, ए बी है फोर्थ में, बी सी है, माइनस का सी भी कर दो, बात तो एक ही है, तो तुम्हारी में सब सही है ना, तो तुम थर्ड वाले ऑप्शन में इससे माइनस करो, और तब यहाँ पे काटा लगाओ, क्वेश्चन को ठीक करके गलत करो यहाँ पर, लास्ट एमसीक्यू। अरे अच्छा चल, तो देख लेना, देख लेना, अब तुम तो सोचते रह जाते, सी वाला तो बी की तरह है तो बी क्यों गलत नहीं है, तब तो हमने ठीक करवा दिया तुम्हारा, ठीक है। लास्ट चलो पार्ट पढ़ो, किताब में ठीक कर लेना अपनी, ये भी फिर ऐसा ही है, मिसप्रिंटिंग हो सकती है किसी किताबों में, इसमें दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। ए और बी दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। कोलिनियर के लिए कंडीशन थी ए इक्वल टू लैम्डा बी, है ना। चलिए पहला देखते हैं क्या है, पहला सही है, बी इक्वल टू लैम्डा ए, दूसरा भी सही है, ठीक है ना। देखो अगर ना आपका बी वेक्टर इज इक्वल टू 2a आता है, तो a इक्वल टू लैम्डा बी, यानी कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम आ रही है ऐसे। अगर यहाँ माइनस का 2 आता है ना, तो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब दोनों ऐसे हैं फिर वो, लेकिन कॉलिनर तो है ना, तो सेकंड भी सही है। थर्ड में क्या बोला, अच्छा, और फोर्थ वाले में डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्या वो कॉलिनर हो सकते हैं, डायरेक्शन सेम है तो, डायरेक्शन सेम है तो वो कॉलिनर हो सकते हैं, है ना। अच्छा, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल यानी देखो ये रहा, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट यानी आई इसका और इसका आई प्रोपोर्शनल है कि नहीं, यानी 1/2, 1/2, 1/2 है कि नहीं, 1/2, तो यही कंडीशन तो आएगी ए इक्वल टू एमडब्ल्यू वाली, यानी दोनों पैरेलल इसमें भी हैं, किसी किताब में तो एक एक में कुछ अलग होगा। देखो इसकी किताब में सी वाले में, मेरी में भी नॉट लिखा है, हाँ नॉट बोला था, मैं तो प्रोपोर्शनल बोल रहा था, नॉट प्रोपोर्शनल, जबकि ये कंडीशन प्रोपोर्शनल वाली, यानी कि देखो आई आई जे जे के सेम आ रहे ना, तो वो लैम्डा बी वाली कंडीशन बनती है, तो ये गलत है एक बस। तो अपनी किताब में देखिए आंसर, आपकी में है ना, वो मैंने कहा ना ये दोनों एमसीक्यू जो हैं ये मिसप्रिंटिंग है बहुत बड़ी किताब में। अगले टर्न पे कर लेंगे, एक क्वेश्चन छोड़ दो। अगले टर्न की शुरुआत हम करेंगे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से, ठीक है ना, और फिर इसे भी कवर कर लेंगे एक इकलौते क्वेश्चन को, बचे हुए को, तो आप लोग इतना करने की कोशिश करिएगा ताकि अगले टर्न पे आप लोगों को सब समझ में आ जाए, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन एंड डॉट प्रोडक्ट, ये सारा हो जाएगा अगली क्लास, कर दे क्लास।